जी बोलो, चुटकी बाद में पढ़ लेंगे। हो जाएगा, सबके पास दूर है। दिखाई देते हैं है? और जगदम्बा के साथ शेर दिखाई देते हैं। शेर दिखाई दिया जाता है। हाँ। और गणेश के साथ वो चूहा दिखाई देता है। हाँ। ये सबका बेहद का क्या मीनिंग है? एक एक करके पूछ लो। दत्तात्रेय के साथ कुत्ता दिखाई देता है। हाँ। नाम क्या है? दत्तात्रेय। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। कौन है तीन प्रसिद्ध है? ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रसिद्ध हैं। जब बाप शिव आते हैं तो अकेले आते हैं या तीन के साथ आते हैं? तीन के साथ आते हैं। उन तीन के द्वारा जो दिया हुआ है, उस पहले पत्ते का नाम क्या है? कृष्ण, ब्रह्मा। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। दत्तात्रेय का मुख्य गुण क्या दिखाते हैं? वो सभी के गुण देखते थे, कोई के अवगुण नहीं देखते थे। और ब्रह्मा बाबा का विशेष गुण क्या था? है? गुण ही देखते थे, कोई के अवगुण नहीं देखते थे। गुण ग्राहक वृत्ति थी, परंतु अवगुण नहीं देखते थे। तो ब्रह्मा की गोद में सिर्फ देवताएं ही पले या असुर भी पले? क्योंकि पहचान नहीं हो पाई। देवात्माएं यज्ञ के आदि से ही चली गई और आसुरी धर्मों में से मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। उस इस्लाम धर्म में कौन से जानवर की मुख्य प्रवृत्ति है? है? कुत्ते की मुख्य व्यभिचार की प्रवृत्ति है। तो वो उनके चारों ओर घिर गए, मेल्स के रूप में, फीमेल्स के रूप में भी। और जब तक शरीर छोड़ा
तब तक भी घेरे बैठे रहे और शरीर छोड़ने के बाद भी अभी यज्ञ में घेरे बैठे हैं। इसलिए दत्तात्रेय के चारों ओर कौन दिखाए जाते हैं? है? कौन से जानवर दिखाए जाते हैं? कुत्ते दिखाए जाते हैं। क्राइस्ट और क्रिश्चियंस की राशि मिलाई जाती है। बौद्धा देखा जाता है, क्रिश्चियंस कौन सा जानवर पालना विशेष पसंद करते हैं? है? कुत्तों को। और कृष्ण की भी राशि मिलती है क्राइस्ट से। ये ह्यूमन डॉग्स हैं जो यज्ञ के आदि से ही पाले जाते रहे। और दूसरा क्या है? क्या बोला? गणेश के साथ चूहा दिखाते हैं। चूहे का विशेष गुण क्या होता है? अंदर ही अंदर सारी जमीन को खोखला कर देता है। वो चूहा उनका वाहन है। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कोई ब्राह्मण ऐसे हैं इस चूहे की प्रवृत्ति के हैं। देश के में ब्राह्मणियों को पता ही नहीं चलता है हमारा पूरा परिवार खोखला कर दिया। जब बुद्ध रूपी धरणी धसने लगती है तब पता चलता है अरे ये क्या हुआ। तो बड़े बड़े कान वाला गणेश कौन है? सबसे जास्ती ज्ञान के कौन सुनता है और सबसे पहले ज्ञान कौन सुनता है? ब्रह्मा। मस्तक भी बड़ा चौड़ा दिखाया जाता है। आंखों में मद भरा रहता है। बुद्ध रूपी पेट विशाल है या छोटा है? विशाल पेट दिखाया हुआ है। गणेश कहा जाता है। गण प्लस ईश, गणों का स्वामी। कौन से गण प्रसिद्ध हैं? देव गण प्रसिद्ध हैं, शिव गण भी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? गणेश की पूजा की जाती है। तो गणेश का वाहन ब्रह्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो किस में प्रवेश करते हैं? है? ऐसे ही चूहों में प्रवेश करते हैं। कोई अब्बल नंबर का चूहा भी होगा, जो अंदर ही अंदर है, जमुना के कंठे पर स्थित होने वाले बेसिक ब्राह्मणों की सारी धरणी खोखली कर देता है। दो चार वर्षों के बाद पता चलता है ये तो बड़ा संगठन तैयार हो गया। ये रुद्रमाला के मण के जो विशेष सर्विसेबल सर्विसेबल बच्चे हैं वो गुप्त मेहनत करते हैं।
अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, बाहर से कोई जान न सके। और जगदम्बा को जो शेर दिखाया जाता है वो कौन सा शेर दिखाते हैं? एक होता है बब्बर शेर और एक होता है टाइगर, बाघ जिसे कहते हैं। जगदम्बा को कौन सा शेर दिखाते हैं? टाइगर दिखाया जाता है। वैष्णवी को बबर शेर दिखाते हैं। भारत का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। शेर क्यों नहीं? टाइगर क्यों? ज्यादा पावर किसमें होती है? शेर में ज्यादा पावर होती है, परंतु कोई में पावर ज्यादा हो और अकल ना हो तो पावर किसी काम की नहीं रहती। ऐसे ही प्योरिटी की पावर तो है लेकिन जो बुद्धिमान बाप के बच्चों के पास अकल आती है वो अकल उनमें नहीं है। जो मनन चिंतन मंथन करके अपने और दूसरों के 84 जन्मों का रहस्य जान सके, कब हमला करना है कब नहीं करना है, कहां सहन करना है कहां सामना करना है, ये अकल का काम है। तो टाइगर चालाक होता है, मौका देख करके हमला करता है। बब्बर शेर सीधा हमला करता है, इसलिए चूक हो जाती है। तो दो आत्माएं हैं, जो मानवीय रूप में भगवान के रूप में मानी जाती हैं, भक्ति मार्ग में राम और कृष्ण। एक राम वाली आत्मा जिसमें बुद्धिमानों की बुद्धि प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, और एक कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण का ही अपर रूप दिखाते हैं विष्णु। और बाबा, हाँ, गाय को माता कहते हैं तो भैंस को माता क्यों नहीं कहते? गाय भगवान को फॉलो करती है, चित्रों में गाय को दिखाते हैं भगवान के पांव चाटते हुए। भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान बनाई दिया है। कृष्ण को अगर अपनी बुद्धि होती तो गुरु बनाने की क्या दरकार थी? ये तो शिव बाबा की बात है, बुद्ध रूपी पांव की बात है और भारत की कन्याओं माताओं रूपी गऊओं की बात है। जो भारत की कन्याएं माताएं हैं वो गऊओं के मिसल है, सीधे स्वभाव वाली होती है।
जीवन में उनको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है सारा जीवन वहां बंद करके रहती है। दूसरी शादी नहीं करती है, व्यभिचारिणी नहीं बनती है, भारत को वैश्यालय नहीं बनाती है। और जो वैश्यालय बनाने वाली है वो ही भैंस बुद्धि है। भैंस का दूध बुद्धि को ठस बनाता है और गाय का दूध बुद्धि को सालिम बनाता है। गाय पूजनीय है क्योंकि भारत की गऊओं ने पवित्रता को धारण करके भारत को स्वर्ग बनाया और भैंस बुद्धियों ने उसी भारत को नरक बनाई दिया। इसलिए भैंस की पूजा नहीं होती है, गाय की पूजा होती है। और बाबा पहले स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी और पुरुषों की संख्या कम थी, अभी उल्टा हो गया है, तो इसका अर्थ क्या है? अभी भगवान आया हुआ है, जब भगवान आते हैं तो शिव शक्ति सेना तैयार करते हैं या पुरुषों की सेना तैयार करते हैं? शिव शक्ति सेना तैयार करते हैं, तो उसके लिए कन्याएं माताएं ज्यादा चाहिए या दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले पुरुष ज्यादा चाहिए? कौन स्वर्ग स्थापन करेंगे? कन्याएं माताओं को ही शास्त्रों में ज्ञान कलश दिया गया है। जो पवित्र बुद्धि वाली होती है वो ही दूसरों को टीचर बनकर के पवित्र बुद्धि बना सकती है। पुरुषों ने तो बेड़ा गर्क किया है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी दुनिया में कन्या माताओं की अवहेलना होती है, खास भारत में गर्भ के अंदर ही कन्या को मार दिया जाता है। तो ये ड्रामा बना हुआ है कि नर चाहत कछु और है और होवत है कछु और। बाबा इसमें मुसलमान लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जो जीव घात करते हैं तो ऐसे हिंदू में भी वो करते हैं ना, एबॉर्शन वगैरह, तो वो भी एक घात ही हुआ ना? वो भी मुसलमानों का कहना है कि जो इंसान है उस इंसान में ही रूह होती है, जानवरों में रूह नहीं होती है। इसलिए जानवरों को काट के खाने में कोई हर्जा नहीं है। हिंदू ऐसा नहीं मानते हैं। हिंदुओं ने तो हर आत्मा को शास्त्रों के आधार पर मनुष्यों को मनुष्यों के समान दर्जा दे दिया, बोल दिया मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है फिर मनुष्य का जन्म मिलता है, तो सब आत्माएं एक समान हो गई। अब हैं तो दोनों ही गलत। असली बात तो यह है कि मन होने के कारण मनुष्य कहा जाता है,
मननात मनुष्य है, मनन चिंतन करने के कारण मनुष्य है। भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उस पर मनन चिंतन विचार करने का कार्य, फैसला करने का कार्य मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। लेकिन गलती से शास्त्रों में भगवान का जन्म भी कच्छ मच्छ अवतार के रूप में दिखाई दिए है, जानवरों के रूप में दिखाई दिए है, जबकि भगवान सिर्फ मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है। मनुष्य सुधरते हैं तो मनुष्य के मन की एकाग्रता के आधार पर सारा वायुमंडल सुधर जाता है, और वायुमंडल के सुधरने से सभी पशु पक्षी प्राणी सुधर जाते हैं। और तुमने बोला है चलने वाले, दौड़ने वाले, उड़ने वाले और हाई जंप लगाने वाले। हाँ, तो चलने वाला अगर भूमिदल है, चलने वाला अगर भूमिदल, हाँ जी, और उससे तेज होगा नौकादल, 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 और उससे तेज होगा हवाई दल। जल सेना, जल सेना और वायु सेना। दौड़ने वाले कहाँ चले गए? अभी तो आपने कहा पुरुषार्थ में होता है चलना, फिर उससे तेज होता है दौड़ना, फिर उससे तेज होता है उड़ना, फिर उससे तेज होता है हाई जंप लगाना। तो आपकी ये उद्धरण की गति तो न्यारी हो गई। हाँ, और अभी जो सीजन चल रही है ना, अभी वाणी की चल रही है, सीजन चल रही है, सीजन चल रही है ना। हाँ, क्या वाणी हो रही है उसको क्लियर कर दिखाया है, ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करो, है ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्ष करेंगे, या अप्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष करेंगे। अरे शिव बाप बिंदु है, बिंदु माने अव्यक्त है, वो बिंदु बाप साकार में आता है तब प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करेंगे, प्रत्यक्ष के लिए कहा जाता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। या जब बिंदु रहता है तो प्रत्यक्ष किया जाता है। 63 जन्म में तो बिंदु रहा, अव्यक्त रहा, अप्रत्यक्ष रहा, उसको प्रत्यक्ष करने की बात ही पैदा नहीं होती। हाँ, मतलब बताओ। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करो, ऐसा वाणी में आया, अव्यक्त वाणी में। हाँ, और ये लोग शुरू किया है ग्लोबल फेस्टिवल मनाने का। हाँ, और ये दादा लेखराज को प्रत्यक्ष करने के लिए सोच रहे हैं लोग। दादा लेखराज को प्रत्यक्ष करने के लिए? अरे जो चंद्रवंशी होंगे वो चंद्रमा को प्रत्यक्ष करेंगे या सूर्य को प्रत्यक्ष करेंगे? चंद्रमा के बच्चे हैं तो चंद्रमा को प्रत्यक्ष करेंगे। ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। शुक्र तारा के बच्चे, क्या शुक्राचारी के बच्चे हैं तो शुक्राचारी को प्रत्यक्ष करेंगे। बुद्धाचारी के बच्चे हैं तो महात्मा बुद्ध को प्रत्यक्ष करेंगे। ये धर्म पिताएं भी प्रत्यक्ष होने हैं कि नहीं होने हैं? अरे होने हैं, तो वो होंगे प्रैक्टिकल जीवन में तब ही तो प्रत्यक्ष करेंगे। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब विनाश होगा तो हमारे पैगंबर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो वो पैगंबर प्रैक्टिकल जीवन में पहचान में आएंगे तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। तो ग्लोबल में वो जिसको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं वो प्रत्यक्ष होने की बात अव्यक्त वाणी में नहीं बताई है,
बाबा ने तो बोला है जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गया, तुम बच्चों को भी अव्यक्त बनना है। तो क्या शरीर छोड़ दें, आपघात कर लें? उसका अर्थ ही नहीं समझा गया। ब्रह्मा की सोल और प्रजापिता बाप की सोल दोनों ही मिलकर के ब्रह्मा बाप हैं। वो दोनों ही किसी साकार के स्तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। बच्चों का काम है उनको प्रत्यक्ष करना, बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करेगा। बाप का विरुद्ध है फादर सोज सन्स, और बच्चों का विरुद्ध है सन्स सोज फादर। तो उनकी जहां तक पहुंच है वैसा वो काम कर रहे हैं, और हमारी जहां तक पहुंच है हम वो काम करें। और बाबा 18वें संगम यदि कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो साथ साथ में छोटी मम्मी भी प्रत्यक्ष थोड़े टाइम के होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये जो माता है ना वो अभी बूढ़ी बूढ़ी माता है, वो सकास देने थक गई ऐसा बोल रही है। आप पवित्रता बाप को प्रत्यक्ष करेगी या पवित्रता बाप को प्रत्यक्ष करेगी? पवित्र आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगी या अपवित्र आत्माएं प्रत्यक्ष कर सकेंगी? पवित्र। अगर अपवित्र आत्माएं प्रत्यक्ष कर सकी होती तो रुद्रमाला पहले तैयार हो जाती, परंतु रुद्रमाला प्रत्यक्ष नहीं होती है, पहले विजयमाला तैयार होती है, बाद में जब रुद्रमाला के मण के याद करते करते सेवा करते करते पवित्र बन जावेंगे तब विजयमाला में ऐड किए जावेंगे। तो कौन प्रत्यक्ष करेगा? जिन्होंने विकारों पर जीत पाई होगी वो ही प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा ये बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं, तो जो बना हुआ ही है ड्रामा, तो अभी पुरुषार्थ जो करेंगे वो जैसा पद होने वाला वही मिलेगा ना, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। आज से खाना बंद कर दो, किचन में नहीं जाना। बोलो, खाना खाने के लिए किचन में तो नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। अरे तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। लेकिन बाबा बनी बनाई बन रही है तो फिर? हाँ तो बनी बनाई बन रही है। हाँ योगिनी माता है वो योगिनी माता है वो याद है वो प्योरिटी में सबसे आगे है। हाँ ज्ञानेश्वर संभाल रही थी। हाँ सत्यपाल ज्ञानेश्वर संभाल रही थी। जगदम्बा ज्ञानेश्वर संभाल रही थी तो बाबा एक स्थान पर बैठे रहे थे। बाबा बैठे क्या क्या बोल दिया जगदम्बा? ये करती ध्यान एक न संभाल रही थी। हाँ स्थान पर बैठे रहे थे जगदम्बा ज्ञान यज्ञ संभाल रही थी। बाबा एक स्थान पर बैठे तो बाबा एक स्थान पर बैठे रहते थे, और जब जगदम्बा ने ज्ञान यज्ञ छोड़ दिया और योगिनी माता संभाल रही है तो बाबा को दर दर भटकना पड़ता है, यही कहना चाहते ना? हाँ भले बाबा को दर दर भटकना पड़ता है लेकिन योगिनी के योग के आधार पर संगठन तैयार हो रहा है। जो संगठन नई दुनिया का फाउंडेशन डालता है, बाकी सारी दुनिया के संगठन यह संस्थाएं सब गड्ढे में जा रहे हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सबको गड्ढे में ले जा रहा है, एक भी नहीं बच रहा है, और न किसी के
चाहने पर भी अमृत वेले का पुरुषार्थ सफल हो पा रहा है। तो बताओ कौन सा पुरुषार्थ बड़ा हुआ? जगदम्बा ने या यमुना ने या गंगा ने जो कुछ भी पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के बाद बाप को छोड़ दिया तो वो विजयी बनेंगे, या जिन्होंने एक बार पकड़ा और कभी छोड़ा ही नहीं, अंत तक निभाया, वो निभाने वालों के नंबर बनते हैं। धर्म के धक्के खाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म के धक्के खाए जाते हैं तभी क्राइस्ट आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन करते हैं, मोहम्मद आकर के मुस्लिम धर्म स्थापन करते हैं, महात्मा बुद्ध को देश निकाला मिलता है तभी बौद्ध धर्म स्थापन होता है, गुरु नानक को धक्के खाने पड़े, ये तो अच्छी बात है। एक जगह बैठना अथवा बैठा देना ये बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। बाबा ने तो बोला चक्रवर्ती वो बनेगा जो लगातार चक्कर लगाएगा, और हाँ बोला कि शिव जयंती को गीता जयंती के बाद जाए है गीता जयंती फिर बाद में जब करे जाए हाँ लेकिन अभी तक ब्रह्मा हो गया है लेकिन अभी तक ब्रह्मा नहीं गया हाँ विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला हाँ कब निकला? विष्णु कौन? विष्णु कौन? अरे ब्रह्मा ही विष्णु है। अरे मुरली में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा, ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा साकार या निराकार? अरे ब्रह्मा साकार तो ब्रह्मा का बाप भी कौन? बताओ ना। यज्ञ के आदि में जो सरणी थी वो ही सरणी अभी भी है। शिव जयंती शिव अकेले की नहीं होती है, शिव आते हैं तो शिव के साथ साथ तीन मूर्तियां भी आती हैं, वो गीता माता भी साथ में है। जिस गीता ज्ञान से नरको नारायण बनना होता है, इसलिए शिव जयंती और गीता जयंती साथ साथ, फिर बाप और बच्चे की भी जयंती साथ साथ या आगे पीछे साथ साथ। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं और कृष्ण जयंती भी रात्रि के 12 बजे मनाते हैं, जबकि बच्चे का जन्म बाद में होता है और बाप का जन्म पहले होता है, लेकिन यहाँ बेहद की षष्ठी की शूटिंग हो रही है, यहाँ बाप के साथ ही साथ बच्चों का जन्म हो जाता है। और पापा आगे बोला ना चंद्रकांत मिटा जो है तो चंद्र के बाद क्रांति करने वाला आएगा। क्रांति नहीं है, कांति है। उसके बाद मिटान जाएगा तो ब्रह्मा के नाते लेगा ना बाबू है। चंद्रकांत मिटान जो है बोला है तो ब्रह्मा के नाते वापस विष्णु लेगा, मीनिंग भी यही होता है। ये क्या कह रहे हैं समझा? कोई ने समझा हो तो बताओ क्या अंत में? ब्रह्मा बाबा के द्वारा चंद्रकांत वेदांत जहाज मिले। वेदांत कौन है?
अरे ब्रह्मा ने तो 69 में शरीर छोड़ा, फिर जहाज कहाँ गया? अरे क्या मुझ गए क्या? एक है प्रश्न है। हाँ। जो विनाश का जो बताया हुआ है कि 4-5 रोज में ही खेल खराब हो जाएगा, 5-7 रोज में? हाँ, 4-5 के रोज में खेल खराब हो जाता है। 5 रोज में नहीं, 5-7 रोज में। अच्छा, तो उसमें जो साकार धन वाला जो व्यक्तित्व है वो गुरुवार को मान्यता देने वाला है, तो सोम से लेके गुरु माना शुक्रवार को जुम्मा होता है, तो तब तक वो फाइनल हो जाएगा ना? तब तक फाइनल हो जाएगा ना विनाश का काम? शिव बाप का। इन्होंने भी क्या बोला, समझ में आया किसी को? ये आकाशवाणी हो रही है, समझाओ भाई, फिर से समझाओ क्या कहना चाहते बाबा। हाँ, 4-5 रोज बताए ना? 5-7 रोज। हाँ, 5-7 रोज। तो उसमें जो 5 दिन है वो सोम से लेके रवि से लेके गिने तो भी जुम्मा मतलब के शुक्रवार आ जाता है सुबह मॉर्निंग, तो तब तक खेल खराब हो जाएगा नहीं? क्योंकि गुरुवार को मान्यता जो साकार जो जो है शिव का मुकरर है, तो उसके द्वारा जो गुरुवार को मान्यता देने वाला है तो उसका काम क्लियर हो जाएगा दुनिया के सामने। तो बाप इस तरह से प्रत्यक्ष हो जाएगा गुरुवार के। तो कोई ने समझा हो तो बोलो। अरे ये सब बुद्धू हैं। बाबा ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ, एक होशियार निकला। 5-7 दिन में विनाश हो जाएगा, तो रविवार से गिनो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार अच्छा दिन रहता है हमारे लिए, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के लिए। तो फिर शुक्रवार जो है वो सब खत्म हो जाएगा शुक्रवार के दिन तक, और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा सबको, शुक्रवार सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, माने 5-7 रोज जब रह जाएंगे 2036 में, तब ही बाप प्रत्यक्ष होगा, उससे पहले प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। आराम से सो जाओ, बढ़िया बात बता रहे। नहीं तो वो तो पहले मम्मी प्रत्यक्ष होगी, उसके बाद में बाबा प्रत्यक्ष होंगे ना, मम्मी बाबा को प्रत्यक्ष करेगी ना। हाँ हाँ, 2036 में। नहीं नहीं, अच्छा। तो छोटे मम्मी बाबा का प्रत्यक्ष होगी। एक ज्योतिषी को बुलाओ भाई। गुजरात में मिनी मधुबन कब जब खोलोगे तब खुलेगा? अभी तैयार है आप? हैं? अभी तैयार है। सभी तैयार है तो खोल दो। आपकी आज्ञा मिल जाते है तो तुरंत खोल देते। बाबा आज्ञा नहीं देते हैं। बाबा ने तो अव्यक्त वाणी में सर्व सामान्य रूप से बोल दिया, जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो ये मिनी मधुबन हो गया। गीता पाठशाला वालों को डायरेक्शन दिया है, गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जो मधुबन जैसा लगे। मधुबन जैसा नक्शा गीता पाठशाला का बनाओ, इसका मतलब बहुत सी गीता पाठशालाएं आगे चल करके मिनी मधुबन बन जावेंगी। और कोई ने पूछा है, मम्मा ज्ञान की देवी थी,
उनके बुद्धि में गीता के सच्चे भगवान की बात क्यों नहीं बैठ रही है? अब सवाल ये है, ये वैसे ही बात है जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, ये तुम बच्चों का है सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर, परंतु अभी सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो वो जैनी लोग आकर के तुमसे लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। ऐसे ये प्रश्न है, जिसको सच्चा सच्चा भगवान बताया गया है वो पर्चा लिखने वाला सच्चा सच्चा भगवान पहले साबित करे, इतने हुजूम के सामने कम से कम, दुनिया वालों को छोड़ दो। अगर इतने लोगों के सामने ही साबित कर दे कि ये सच्चा सच्चा भगवान है तो मम्मा की भी बुद्धि में बैठ जाएगा, वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगी। लेकिन बाबा ने बताया है अंत में माया ऐसी परीक्षा लेगी कि सबको हिला के रख देगी, नंबरवार सब अनिश्चय बुद्धि बन जावेंगे। अभी भी बन रहे हैं, घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय में आते रहते हैं। तो अकेली मम्मा को क्यों दोष दिया जाए? मम्मा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली है आदि से ही, या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली है? भक्ति मार्ग के फाउंडेशन में सुनना सुनाना होता है, तो सुनने सुनाने की बात बताई कि ज्ञान सुनना और सुनाने में जिसको जगदम्बा मां घोषित किया गया है, उसको कोई मात देने वाला हो तो दिखाए। ये पर्चा लिखने वाला भी अगर कहता है कि मम्मा ज्ञान की देवी नहीं है, ज्ञान न सुन सकती है न सुना सकती है, सुना सकती है तो हमको सुनाए, बोलेगा कोई? है? है? कोई नहीं बोलेगा। बड़ी बड़ी दीदी दादियां भी सामने आने से चकराती हैं। वो गुल्लार दादी, मम्मा जब 9 साल की थी उस समय अपनी लौकिक माँ पुष्पा माता को लेकर के पांडव भवन दिल्ली में पहुंची गुल्जार दादी के सामने, दादी आधा घंटा हमें दो, कुछ हमें बात करनी है। दादी ने आधा घंटा दिया, 10 मिनट ज्ञान सुना, सर पकड़ के अंदर चली गई, मेरा तो सर बनाने लगा। तो ज्ञान सुनना और सुनाना अलग बात है, वो भी देवी की अथॉरिटी है, उसे कहते हैं वाक देवी, काय की देवी, वाचा की देवी। लेकिन धारणा में ज्ञान बैठ जाए, उसके लिए निमित्त बनी हुई है वैष्णवी पार्वती। और
ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक ही स्टेज पर बैठे हुए इस पुरुषोत्तम संगम युग में बच्चों को कब तक देखने में आवेंगे? जब बच्चे त्रिमूर्ति शिव बाप को प्रत्यक्ष कर देंगे, बाप एक मूर्ति है, दो मूर्ति है या त्रिमूर्ति है? त्रिमूर्ति है। तो त्रिमूर्ति बाप को बच्चे जब प्रत्यक्ष कर देंगे संसार के सामने, तभी सारी दुनिया को देखने में आने लगेंगे। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, जो आवे, जो देखे, जो कानों से सुने, उसी के मुख से निकले, हमारा बाप आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, बाप आते हैं विजयमाला बनाने के लिए, लेकिन बाप की तो रुद्रमाला है, जो एडवांस पार्टी कही जाती है, और विष्णु की माला विजयमाला है, वैष्णो देवी का संगठन है, तो वो विजयमाला बाप कब बनावेंगे? पहले माता गुरु प्रत्यक्ष होनी चाहिए या पहले बाप प्रत्यक्ष अपने को करेगा? माता गुरु पहले प्रत्यक्ष हो तो साथ साथ में विजयमाला भी प्रत्यक्ष हो। हाँ, बच्चों का काम है आवाहन करना, तो बच्चे जब आवाहन करेंगे दिल से, दिमाग से नहीं, तो विजयमाला का संगठन भी मैंने बनेगा। और कहते हैं मैं दिन में प्रवेश करूं करता हूं, उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता, रखता हूं, तो ब्रह्मा का अर्थ तो बड़ी माँ होता है, तो सबका नाम ब्रह्मा की रखता हूं। सबका नाम, सबका नाम ब्रह्मा है, सबका नहीं, दिन हाँ। में प्रवेश करे उनका, हाँ जिन में प्रवेश करता हूं उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा के कितने मुख दिखाए जाते हैं? पांच मुख में एक मुख तो शास्त्रों में दिखाते हैं, गालियां देता है तो वो तो मुख काट देते हैं, उस कटे हुए मुख पर भी, अपकारी के ऊपर भी बाप उपकार कर देते हैं, वो आत्मा अलग हो जाती है, देवान अलग हो जाता है। हाँ, थोड़े समय के लिए बकरे का मुख जरूर रख देते हैं ताकि याद रहे कि शिवो हम मानने वालों कहने वालों का क्या हाल होता है। बाकी रहे चार, तो चार में किसका किसका नाम है? ब्रह्मा सरस्वती, एक ब्रह्मा, एक सरस्वती, जगदम्बा जगत पिता, जगत पिता भी, फिर बकरा कौन बनता है? वो तो बात खत्म हो गई, तीन ही तो रह गए, कहाँ चार रह गए? ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा लक्ष्मी। हाँ, ब्रह्मा और सरस्वती ये तो बाद में आए,
उनसे भी पहले कौन? उनसे पहले दो माताएं थी यज्ञ में, जगदम्बा और लक्ष्मी। तो जगदम्बा माता ने क्या खास काम विशेष किया जो कोई आत्मा ने नहीं करके दिखाया? नहीं, ओम राधे ने क्या काम किया है? फॉलो किया। ऐसा प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में इस तरह फॉलो करके कोई ने भी नहीं दिखाया। ये फॉलो करने का काम और ब्रह्मा के द्वारा सहन करने का काम शिव बाप करण करावनहार ने कराया या उन आत्माओं ने खुद किया है? बाप करण करावनहार करा रहा था। ब्रह्मा ही अगर करने वाला होता तो 63 जन्मों में ऐसा सहन करके क्यों नहीं दिखा दिया जो सारा परिवार एक सूत्र में बंध जाता? ये तो बाप का ही करिश्मा था। तो जगदम्बा में जो फॉलो किया वो भी बाप ने किया, ब्रह्मा में जो सहन करके दिखाया वो भी बाप ने किया। तो बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये नहीं बोला कि बाप जिसमें प्रवेश करके बोलते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ऐसे ही वैष्णवी देवी, वैष्णवी का मुख्य काम क्या है? ब्रह्मा का काम है स्थापना, शंकर का काम है विघटन विनाश, बेसिक में भी विनाश और एडवांस में भी। अगर श्रीमत पर न चले तो क्या करेगा? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। मुरली में बोला या नहीं बोला? ये किसने बोला? शिव बाप का तो काम नहीं है। शिव बाप का काम है विनाश कराना? नहीं, किसने बोला? जिसका काम है वो ही बोलेगा। तो शंकर के द्वारा जो कार्य होता है, पहला काम होता है बीजारोपण का, जगत पिता का। बच्चे बड़े होते हैं तो समझाने का कार्य होता है, क्लेरिफाई करने का, और अंत में खेल खलास करने का भी बाप का ही काम है। पुरानी दुनिया का खेल खलास ये भी बाप का ही काम है। वो निराकारी स्टेज ही ये सारा कार्य कराती है। ऐसे ही वैष्णवी में तीसरी मूर्ति में जो प्रैक्टिकल कार्य है जो अब तक ब्राह्मणों के द्वारा नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में पवित्र संगठन की स्थापना करना, पवित्र ब्राह्मणों का संगठन बनाना, क्योंकि विष्णु के द्वारा होता ही है प्रैक्टिकल, ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना, शंकर के द्वारा समझना समझाना, तीसरा नेत्र का कार्य, और विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल करण करावनहार बाप कराता है
या वैष्णवी की आत्मा स्वयं करती है, बाप कराता है। इसलिए ये बात बोली कि बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। और बाबा गुलजार दादी के कर्म कहते हैं शिव परमात्मा अवतरित नहीं होते हैं, कहते हैं हाँ, कहा जाता है, हम लोग कहा जाता है, समझाया नहीं जाता। आपने समझाया है या कहा हुआ सिर्फ सुना है? जी ऐसा सुना है और समझा भी है, लेकिन उसमें ऐसी बात है कि ब्राह्मण जो वहाँ पर है वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव परमात्मा आते हैं, फिर शिव परमात्मा ब्रह्मा तंतु दादी के तन में आते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट तो नहीं आते ऐसा कहा जाता है। इनडायरेक्ट कैसे आते हैं? माना शिव बाबा ब्रह्मा की तन में आते हैं। मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीरधारी में आता हूँ। सूक्ष्म शरीरधारी जो देवताएं होते हैं वो फरिश्ता होते हैं या पतित होते हैं? फरिश्ता होते हैं। फरिश्तों को पतित कहा जाता है? पतित में शिव बाबा आते हैं या पावन में आते हैं? पतित में आते हैं। फरिश्ते में थोड़े ही आवेंगे, सूक्ष्म वतनवासी में थोड़े ही आवेंगे, शरीरधारी में आते हैं, साकार तन में आते हैं शिव बाप। हाँ भूत प्रेत जो हैं, उनके प्रवेश करने की गति और शिव बाप की प्रवेश करने की गति में अंतर है, क्योंकि शिव बाप को सूक्ष्म शरीर नहीं है, ज्यादा ताकत सूक्ष्म शरीर में होती है या स्थूल शरीर में होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। शिव बाप तो बिंदु है, हल्का फुल्का। तो ब्रह्मा में जब प्रवेश करता था पता ही नहीं लगता था कब आया और कब गया। मुरली में भी बोला इन ब्रह्मा को पता लगता है क्या कि मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ? नहीं, पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो तो बिंदु है, हल्का फुल्का है। ब्रह्मा की सोल तो सूक्ष्म शरीर धारण कर गई, वो तो पावरफुल हो गई। वो पावरफुल जब देहधारी में प्रवेश करता है तो उनका अंग अंग टूटता है। गुलजार दादी को उतने ही घंटे से ज्यादा आराम करना पड़ता है जितने घंटे उनमें प्रवेश होकर के बैठते हैं। ब्रह्मा के तन में शिव बाप आते थे तब तो ऐसा नहीं होता था। शिव बाप आते हैं और मनुष्य आत्मा आती है, दोनों का फर्क चेहरे मोहरे से पता लग जाता है। ब्रह्मा का चेहरा बदल जाता था क्या? नहीं। और गुलजार दादी का? गुलजार दादी का चेहरा मोहरा पूरा बदल जाता है। तो ब्रह्मा बाप ऐसा क्यों कहते हैं बाबा कि बाप दादा कह रहे हैं? कुछ भी वर्णन करते हैं तो कहते तुम्हारा हैं? सहयोग दे रहा है वो, उसको भी बोल लेने दो। हाँ बाप दादा कह रहे हैं। हाँ बाप दादा इसलिए कहा जाता है कि मुरली में बोला है शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से कि तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम बच्चों के बीच में ज्यादा याद करने की प्रैक्टिस ब्रह्मा की है या नहीं है? तो ब्रह्मा की सोल जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो याद में रहती है या देवान में रहती है? याद में रहती है। तो उनके साथ शिव बाप है या नहीं है? तो बाप दादा न कहें। और हाँ बोलो है? हाँ इसका मीनिंग ये है
कि बाबा ने तो साक्षात्कार से सिर्फ चार चित्र बनवाए, लेकिन मुरली में बोल दिया माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बैठ बनाए हैं। तो रमेश भाई ने बंबई में माया नगरी में बैठ करके ढेर के ढेर चित्र बना दिए, ये माया की मत पर बनाए गए। कोई माया रही होगी बेटी, बाप के घर में बैठी होगी, वहां उसने डायरेक्शन दिया ढेर सारे चित्र बनाओ, बड़ी सी प्रदर्शनी बन जाए, खूब प्रजा बनेगी। तो प्रजा बनाने के चक्कर में राजा बनना ही भूल गए, चार चित्रों को ही निकाल के फेंक दिया। बाप कहते हैं चार चित्रों में सारी दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। फिर ढेर के ढेर चित्रों की क्या दरकार है। और